जय मसीह की साथियों, परमेश्वर का अनुग्रह एवं दया आप तमाम वीडियो देखने वालों पर होती रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। साथियों, हमारा आज का विषय है कि जब मैं स्वर्ग में साधु सुंदर सिंह से मिला। साथियों, साधु सुंदर सिंह मसीह जगत की बड़ी ही मायनास हस्ती, बड़ी ही उच्च शख्सियत का नाम है। वैसे तो आप सभी इनके बारे में जानते ही होंगे, लेकिन यदि आप इनके बारे में नहीं जानते तो YouTube पर ऐसे कई वीडियो आपको मिल जाएंगे जहां पर साधु सुंदर सिंह जी कौन थे और उनका जीवन, उनकी जीवनी, ऐसे तमाम वीडियो YouTube में है। आप वहां जरूर विजिट करें। तो साथियों, हम बढ़ते हैं अपने विषय की ओर, जहां पर परमेश्वर के अनमोल और प्रतिष्ठित दास डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन जी अपने स्वर्गीय अनुभव का जिक्र करते हैं और ये बताते हैं कि जब वे साधु सुंदर सिंह से मिले तो वहां क्या हुआ। तो उन्हीं के शब्दों में मैं आपके लिए ये पढ़ रहा हूं, जहां वे लिखते हैं कि ऐसे समय भी थे जब प्रभु ने मुझे दूसरे स्वर्ग में साधु सुंदर सिंह के साथ समय बिताने में सामर्थ्य किया, जो कि भारत के एक सुप्रसिद्ध संत थे। वो देविक आनंद उनके चेहरे पर झलक रहा था, वे वर्णन से बाहर है। कोई इस बात का अनुमान भी नहीं लगा सकता कि उन्होंने इस संसार में रहते हुए प्रभु के लिए कितना दुख उठाया है। हर समय उनके चेहरे पर एक सहज रूप से मुस्कान एवं आनंद दिखाई देता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि यदि स्वर्ग में मसीह के लिए दुख उठाने का कोई अवसर नहीं है तो मैं अपने प्रभु से ये निवेदन करूंगा कि वे मुझे नरक में भेज दें, ताकि मुझे वहां पर अपने मसीह के लिए दुख उठाने का आनंद प्राप्त होता रहे। साथियों, यहां पर इस मुलाकात के बारे में बस इतना ही लिखा है, जहां डीजीएस दिनाकरन जी की कोई बात उनसे नहीं हुई, बस ये देख पा रहे थे उनके उस आनंद को, उस मुस्कान को जो उनके चेहरे पर थी। लेकिन जब हम इस विषय पर रिसर्च कर रहे थे तो हमें डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन जी का एक वीडियो मिला, जहां ये बताते हैं कि उनकी बातचीत साधु सुंदर सिंह जी से हुई और साधु सुंदर सिंह जी ने उनसे कहा कि दिनाकरन, भारत देश को मत भूलना, मेरे भारत को मत छोड़ना। आप इस वीडियो क्लिप के माध्यम से ये देख सकते हैं। In this place I met साधु सुंदर सिंह, the great evangelist. I have never seen such radiance of joy as I saw on his face, full of joy. When you saw Sadhu Sundar Singh, uncle, I want to know, did he have a turban? It looks as if he has the turban, but in that marvelous light you see only his face. For identification purpose, the Holy Spirit will make you feel as if he has a turban. See, the power of God is marvelous. You see the face of Sadhu Sundar Singh. Amazing face, full of joy. And the Lord Jesus Christ introduced me to him. And immediately his face became very sad. That joy went away, that smile went away, and he told me, "Son, do not forget Bharat." This he said in Hindi. He said, "Don't forget Bharat." So much of agony. His heart is still for India even after he is... I mean, when the Lord Jesus Christ will bring his mind back to the past, as I said, no person in heaven can be disturbed by anybody. He is a marvelous person. When he says something, it is said.
That's all. What more did Sadhu Sundar Singh? It's only thing he said. It's only one thing he said. That's all. साथियों, परमेश्वर के इन संतों के अंदर प्रभु और उसके सुसमाचार के प्रति कितना श्रेष्ठ मन एवं ज्वलंत प्रेम पाया जाता था, जिसके कारण वशवे सदैव उसके लिए एवं उसकी सेवकाई के लिए दुख उठाने में आनंद प्राप्त करते थे। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे भी कर दें। साथियों, ये वाक्य जहां से लिया गया है, इस किताब का नाम है स्वर्ग की अंतर्दृष्टि। इसके पेज नंबर 90 अर्थात 90 नंबर पेज पे ये वर्णित है। तो परमेश्वर अपने अनुग्रह भरे हाथ आप तमाम वीडियो देखने वालों पर सदा सर्वदा के लिए रखे रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।